Hello students, good morning everyone. Now we are going to discuss chapter first, planning in sports in physical education. About 6 topics will be discussed in this chapter. First topic, meaning and objectives of planning, and second topic, various committees and responsibilities. Third topic, tournaments. Fourth topic, fixtures. Fifth topics, intramural and extramural, and sixth topics, specific sports program. In this video, we have to discuss only two topics, meaning and objectives, and various committees and responsibilities. First of all, meaning and objectives means planning के क्या meanings हैं और क्या objectives हैं, क्या उसके अर्थ हैं और क्या उद्देश्य हैं. Planning क्या होती है? Meaning आप इसकी देखिए. प्लानिंग इज अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव गोल. प्लानिंग क्या होती है? एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन होती है जिनके द्वारा हम गोल्स को अचीव करने का काम करते हैं. इन अदर वर्ड्स, प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. किस चीज का? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस. प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है of thinking in advance about setting up goals and developing strategies which are required to attain goals efficiently. Means planning एक intellectual process है जिसपे हम किसी goals को set करते हैं, उस पर कुछ strategies बनाते हैं और फिर हम उसमें goals को efficiently chase करने का काम करते हैं. इसके उद्देश्य क्या होते हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम प्लानिंग को समझाने की कोशिश करते हैं आपको. कि जैसे मान लीजिए आपके घर में दो हफ्ते में किसी की शादी होने वाली है, सिस्टर्स हो या ब्रदर्स हो, तो हम क्या देखते हैं कि जो घर के मेम्बरान्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, वो आपस में बैठते हैं एक जगह और एक गोल्स को सेट करते हैं. मीन्स वो वेडिंग कैसे होनी है उसको एक गोल्स बनाते हैं, उस पर स्ट्रेटजीज बनाते हैं और इसके बाद उस वेडिंग सेरेमनी को अचीव करने का या सक्सेसफुल बनाने का काम करते हैं और उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे देते हैं. जैसे किसी को कैटरिंग का काम दे दिए, किसी को वेडिंग की लोकेशन क्या है, किसी को लाइटिंग कहाँ होनी है. ऐसे काम को हम वर्क को बांट कर सक्सेस बनाने का काम वेडिंग को करते हैं. यही अगर हम स्पोर्ट्स में लेते हैं, गेम्स में लेते हैं, तो जैसे हमारा आईपीएल होता है, तो आईपीएल होता है तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या करती है? अलग अलग कमेटियों में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर डिवाइड कर देती है. जैसे किसी को इक्विपमेंट का वर्क दिया गया, किसी को मेडिकल का वर्क दिया गया, किसी को बोर्डिंग का वर्क दिया गया, किसी को लॉजिंग का वर्क दिया गया और इस तरीके से वर्क को डिवाइड करके हम उस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने का काम करते हैं. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स टूर्नामेंट के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे. ऑब्जेक्टिव्स में हम देखते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कीपिंग अ गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट. कीपिंग अ गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट मीन्स प्लानिंग करने से ड्यूरिंग कंपटीशन या ड्यूरिंग टूर्नामेंट हम एक्टिविटीज पर एक अच्छा कंट्रोल बना पाने में सक्षम होते हैं. सेकेंड, टू प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज. हम इनोवेटिव आइडियाज मीन्स होता है न्यू आइडियाज. मीन्स जब हम पहले से प्री प्लान्ड होते हैं तो हम उस टूर्नामेंट में एक नई नई आइडियाज देने में सफल होते हैं. नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज. टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज मीन्स क्या होता है कि जैसे इंडिया एंड श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है तो पहले से हम जब प्री प्लान्ड होते हैं, पहले से सारी चीजों पर नजर रखते हैं तो हमें पता होता है कहीं इस मैच के दौरान बारिश ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड कवर होता है और भी इक्विपमेंट होते हैं जिससे कैमरे को ढकना है और ग्राउंड को या पिच को कोई असुविधा ना हो, तो उस प्रकार की व्यवस्था भी हम कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, टू इंक्रीज द रिक्रिएशन. प्लानिंग से हमें रिक्रिएशन में भी इंक्रीजमेंट होता है. नेक्स्ट है, टू इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो हमें स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में इनहेंस करने में सुविधा मिलती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरियस कमिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मीन्स ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं वेरियस कमिटीज में और उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनके आधार पर हम उनको डिवाइड कर देते हैं.
कुछ कमेटीज पर हम चर्चा करते हैं। पहली कमेटी हमारी क्या है? टेक्निकल कमेटीज। टेक्निकल कमेटीज क्या है? टेक्निकल कमेटीज में हम देखते हैं दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू सेलेक्ट द वेरियस ऑफिशियल्स सच एज अंपायर, लाइनमैन, टाइमकीपर, रेफरी एक्सेट्रा। टेक्निकल स्टाफ जो हमारे होते हैं वो टेक्निकल कमेटी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें हमारे ये सब ग्राउंड के एम्पायर होते हैं, रेफरी होते हैं, लाइनमैन होते हैं, जो किसी भी प्लानिंग को या किसी भी टूर्नामेंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सफल बनाने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी में क्या है? आप देखते होंगे स्टूडेंट्स कि कभी कभी जब मैचेस स्टार्ट होते हैं तो उसके बिफोर 2-3 घंटे पहले हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो बसों के द्वारा स्टेडियम पर पहुंचते हैं। तो बसों के द्वारा ले आने और ले जाने का जो काम होता है वो ट्रांसपोर्ट कमेटी के पास होता है। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का क्या काम होता है कि जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनको वेलकम करने का काम रिसेप्शन कमेटी का होता है। नेक्स्ट है हमारा बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का वर्क क्या होता है? अकोमोडेशन का होता है। मीन्स प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को कहाँ रुकना है, किस जगह ठहराना है, किस प्रकार की उन्हें भोजन की व्यवस्था करानी है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी को। नेक्स्ट हमारा है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी का वर्क क्या होता है कि ग्राउंड पे जितनी भी इक्विपमेंट हमारे यूज होने होते हैं, जैसे ग्राउंड की अवेलेबिलिटी क्या होनी है, पिच का मेजरमेंट क्या होना है, उसके इक्विपमेंट ग्राउंड में, जैसे फुटबॉल का मैच है तो उसके फुटबॉल उसमें चाहिए, चौक चाहिए, मार्किंग लाइन चाहिए, मेजरमेंट चाहिए, क्रिकेट है तो बैट चाहिए, बॉल चाहिए, स्टंप चाहिए, ये तमाम प्रकार की चीजों को रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारा होता है मेडिकल एंड फर्स्ट एड। मेडिकल एंड फर्स्ट एड में क्या होता है कि कभी कभी हम ड्यूरिंग कंपटीशन देखते हैं कि प्लेयर्स जो हमारे होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। आगे हम नेक्स्ट 7th और 6th चैप्टर जब आप लोग को पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, उसमें इंजरी बताएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजरी। तो उसमें आप देखेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, बोन इंजरी है, कॉम्प्लिकेटेड है, डिसलोकेशन है। तो कुछ प्रकार की ऐसी इंजरियां होती हैं जैसे स्प्रेन है, स्ट्रेन है, कंट्यूजन है, जो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट के द्वारा हमारे शरीर को चोट पहुंचाती हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास एक डिपार्टमेंट, एक कमेटी होती है जो उन चीजों को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटेस्ट कमेटी। प्रोटेस्ट कमेटी का क्या मीन्स होता है कि जैसे एक सिंपल वे में आपको समझाते हैं कि क्रिकेट में हमारे 2 एम्पायर होते हैं, एक लेग एम्पायर और एक मेन एम्पायर। लेकिन कभी कभी हमने क्या देखा है कि मैच के दौरान डिसीजन में प्रोटेस्ट हो जाता है, उस प्लेयर को डिसीजन अगेंस्ट चले जाते हैं जजमेंट के, तो वहां पर जो है एक कमेटी होती है प्रोटेस्ट कमेटी जो उस डिसीजन के अगेंस्ट जाकर अपना फैसला सुनाने का काम करती है। नेक्स्ट हमारा फाइनेंस कमेटी। जिस भी इवेंट्स या फ्यूचर इवेंट्स हो या कोई टूर्नामेंट हो, स्पोर्ट्स हो, कितनी भी कमेटियां हम बना लें, लेकिन जब तक उसके लिए हमारे पास फंडिंग नहीं होगी, कोई फाइनेंस नहीं होगा, तब तक हम उस चीज को ठीक ढंग से लागू नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी जो कमेटी होती है उसे हम नाम देते हैं फाइनेंस कमेटी। नेक्स्ट हमारा है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी भी बहुत जरूरी होती है कि क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट के लिए जब तक हम उसका एक पब्लिसिटी नहीं करवाएंगे, जब तक उसका ऐड नहीं होगा, जैसे आप सिंपल में देखिए आईपीएल हमारा स्टार्ट होता है, तो आईपीएल में जहां जहां जैसे जैसे स्टेडियम में होने हैं, मद्रास होने हैं, चेन्नई होने हैं, मुंबई होने हैं, दिल्ली होने हैं, तो वहां पे उसकी हम एडिंग करवाते हैं, पोस्टर लगवाते हैं और बाई टेलीविजन और बाई न्यूज हम ये अनाउंसमेंट करवाते हैं कि इस डेट को इस कंट्री का मैच होना है, तो वहां पे स्पेक्टेटर्स या व्यूअर्स की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स और व्यूअर्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है रिफ्रेशमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट कमेटी का क्या काम होता है कि जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं और प्लेयर होते हैं, वे इंटरमिशन और लंच के दौरान उनको रिफ्रेशमेंट देने का काम करता है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे इन दोनों टॉपिक्स को, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरियस कमिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगले वीडियो में आपको हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में 3 टॉपिक उठाएंगे और बताएंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क माय इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।